हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप पी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम का जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आपके पेपर में 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करी है। यह पार्ट वन है और इसका पार्ट टू हो सके तो आज रात के 9 बजे वाली क्लास में आ जाए या फिर ये क्लासेस कल आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दोनों में लिए, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, और यहां पे मैं सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जो भी बच्चे टेलीग्राम पे मतलब पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को, उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये वहीं पे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा और साथ ही साथ क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मैं वहीं पे शेयर करता हूं। रेगुलर बेसिस पे क्विज भी यहां पे कराया जाता है आपके एग्जाम से ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, बात ऐसा है कि 2020 से पहले आपका पेपर ऑफलाइन होता था और वहां पे क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से मिलता था कि एक तरफ हिंदी मीडियम में रहता है, एक तरफ इंग्लिश मीडियम में रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन होता है। तो आपको स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हिंदी में लेना है या इंग्लिश में लेना है क्वेश्चन। आपको अगर जो देखिए, ऐसा भी होता है सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, कि जो क्वेश्चन आप हिंदी में स्टार्ट किए हैं, अगर आपको हिंदी में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है इंग्लिश में देखने का, कि अगर आप इंग्लिश वाले टच करेंगे तो वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिख जाएगा, ठीक है। मैंने जितने भी सीबीटी दिए हैं वहां पे ऐसा देखने को मिला है और आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि अगर क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए तो उस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी जरूर पढ़िएगा, खास करके बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में इंग्लिश वाले लैंग्वेज काफी इजी हो जाते हैं समझने में, क्योंकि काफी वर्ड्स में ही उसका मतलब छिपा होता है, ठीक है, खास करके इंग्लिश वाले वर्ड में, ठीक है। तो इसलिए हिंदी एक मीडियम से हैं आप, तो एक बार अगर क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आया, फिर भी आप एक बार हो सके तो अगर पॉसिबल है तो इंग्लिश में उस क्वेश्चन को विजिट कीजिएगा अगर टाइम बचेगा, ठीक है, तब हो सके वो क्वेश्चन आसान लगे आपको। चलिए हम लोग देखते हैं एक बगल से सारे क्वेश्चन को, ओके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाल पाद पाए जाते हैं। नाल पाद को इंग्लिश में लोग ट्यूब फीट कहते हैं। तो देखिए, जो ट्यूब फीट पाया जाता है ना, वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ये आपको सीधा याद रखना है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस प्रकार से कुछ होता है। ये किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, क्लियर। तो आपका हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में क्लियर हो गया कि नाल पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूब फीट। और वो किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल क्या क्या है? स्टारफिश होता है ना, वो इकाइनोडर्मेटा में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ज़्यादा एग्जांपल मैं नहीं यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि आप फिर आपको हार्ड लगने लगेगा और एग्जाम के लास्ट पॉइंट पे हैं हम लोग, और लास्ट पॉइंट पे यदि कुछ चीज़ें नहीं बता दूंगा तो आप बोलोगे हमने तो कुछ पढ़ा नहीं अभी तक। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, आपको यही सोच के चलना है कि जो भी हमने पढ़ा है बस उसमें बेस्ट देना है, ठीक है। अगर ये सोच लो कि कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो और घाटे में जाओगे, कम से कम यही सोच के अच्छा करने का, जिससे अच्छा हो वही सोचो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज गिवन बाय, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो दिया था वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, समझे। इवोल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि डार्विन साहब ने ही थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया था। किसने दिया? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन साहब ने दिया था। फिर यहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक के नाम हैं सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या है, रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या दिया गया है, तो कोशिका का, मृत कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फिर विलियम हार्वे के बारे में आप जान लीजिए, विलियम हार्वे साहब ने क्या किया था? विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। क्या दिया था? रक्त परिसंचरण खोज का, मतलब इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। फिर लेमार्क ने क्या है, लेमार्कवाद, लेमार्किज्म एक थ्योरी ही है, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। तो आपको मेनली विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक और डार्विन के बारे में याद रखना है। थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। देखिए, पेरेन्काइमा को हिंदी में हम लोग मृदु ऊतक कहते हैं और इस मृदु ऊतक का काम ही होता है कि खाद्य पदार्थ को मंड प्रोटीन तथा वसा के रूप में संग्रहित करे, ठीक है। क्या करे? खाद्य पदार्थ को, जो भी खाद्य पदार्थ है पौधों में, वो उसको क्या के रूप में? स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट के रूप में उसको क्या करे? स्टोर कर ले, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में इसका लिख सकते हैं, टू स्टोर फूड मटेरियल्स एज स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। तो आपका ऑप्शन नंबर वन ही सही हो जाएगा। पेरेन्काइमा का काम क्या है? खाद्य पदार्थों को मंड प्रोटीन तथा वसा के रूप में संचित करना, यानी उसे संग्रहित करना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा
और हमने ये क्वेश्चन करा रखा है कि एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के संयोजक कड़ी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन जो बताएंगे उन बच्चे में समझ जाऊंगे कि बच्चे लगातार रिविजन करते हैं। ठीक है, देखिए एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा का जो संयोजक कड़ी है वो कौन है, पेरिपेटस है। क्या है, पेरिपेटस है। देखिए जो पेरिपेटस है एक्चुअली में एनेलिडा, लेकिन इसका कुछ कुछ कैरेक्टर जैसे कि सेगमेंटेशन, बॉडी पे जो धारीदार संरचना है ये आर्थ्रोपोडा से मिलता जुलता है, इस कारण से आपको ये पेरिपेटस को क्या कहा जाता है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ए इज स्मॉलेस्ट आर एन ए, यानी निम्न में से कौन सा आर एन ए सबसे छोटा आर एन ए है। तो सबसे छोटा आर एन ए कौन सा होता है, तो टी आर एन ए होता है। टी आर एन ए जिसका कि स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, लौंग की पत्ती के जैसा आकार होता है, किसका, tRNA का। ठीक है, और tRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर RNA। ओके, तो सबसे छोटा RNA tRNA को कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा है, सबसे ज़्यादा अमाउंट किस RNA का होता है, तो rRNA का होता है, किसका, rRNA का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लीशन ऑफ विच गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। कहने का अर्थ है कि वातावरण के किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर का अवसर बढ़ जाएंगे। तो यह क्वेश्चन आपको पता होगा कि वातावरण जैसे एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर है जो कि पराबैंगनी किरण को मतलब धरती पे आने से रोकता है, अर्थ पे आने से रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेज को वही रिफ्लेक्ट कर देता है, कौन, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर ओजोन लेयर जैसे जैसे ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है, पोर हो रहा है, यानी छोटे छोटे छिद्र हो रहे हैं, उतना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे इंफ्रारेड रे आएगा अर्थ पे और स्किन कैंसर, खास करके कौन सा, त्वचा वाला कैंसर, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर इसका आंसर है और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ECG से। ECG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, आपने अगर क्लास 11th में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे कि मेडिकल जहाँ पे भी जाते होंगे आप हॉस्पिटल वगैरह में, तो इस प्रकार से देखते होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ECG कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक मूवमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट के इलेक्ट्रोलाइटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वही ECG में कुछ वेव बनते हैं जिसका कि नाम इस प्रकार से दिया जाता है, पी वेव, क्यू ए वेव या फिर QRS कॉम्प्लेक्स। तो उसमें जो पी वेव है, क्या पी वेव, वो क्या मतलब शो करता है, तो पी वेव क्या शो करता है, तो पी वेव जो शो करता है वो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, दोनों आलिंद, कौन सा, दोनों आलिंद जब संकुचित हो रहे होते हैं तो वो किस वेव से डिनोट किया जाता है, पी वेव से डिनोट किया जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, दोनों आलिंद संकुचित हो रहे हैं वो किससे डिनोट किया जाता है, पी वेव से डिनोट किया जाता है। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडोन। देखिए यहाँ पे क्वालिटी में हमारे पास भी उतना अच्छा इसका नहीं है, तो ऐसा कीजिए कि आप एकदम मैक्सिमम क्वालिटी में बढ़ा के देखिए। ठीक है, जितना क्वालिटी बढ़ सके उतना क्वालिटी बढ़ा के देखिए, तो हो सके ये क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, विच या फिर आप सुन के भी अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन को मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन सही से पढ़ देता हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार्टर कोडोन, कहने का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कुट है। हमने प्रारंभिक कुट और अंतिम कुट दोनों बताया हुआ है कि प्रारंभिक कुट कौन से होते हैं, एक होता है AUG और दूसरा क्या होता है, GUG। कभी कताल जब AUG नहीं होता है तो GUG भी प्रारंभिक कोडोन के रूप में काम करता है, तो प्रारंभिक कोडोन या तो AUG होगा या तो GUG होगा। क्लियर, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टॉप कोडोन यानी टर्मिनल कोडोन कौन सा है, जो अंतिम प्रकुट हो वो कौन सा है, तो वो तीन है। उसके ट्रिक भी मैंने दिया था, उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया, यानी उल्लू आया UAA, उल्लू आ गया UAG, उल्लू गया UGA। इस प्रकार से ये तीनों क्या है, ABC ऑप्शन क्या है, टर्मिनल कोडोन है, जबकि AUG क्या है,
प्रारंभिक कोडोन है। और एओजी किस एमिनो एसिड को कोड करता है? मिथियोनिन, मिथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को कोड करता है। क्लियर? देखिए विजिबल मतलब आपको समझ में आ गया ना, अगर विजिबल नहीं भी है तो आप समझ लीजिए कि प्रारंभिक कोड कौन से हैं, एयूजी और जीयूजी है। जीयूजी वैलिन को, वैलिन वैलिन नाम के, इतना मत पढ़िए आप लोग कि जीयूजी वैलिन नाम के एमिनो एसिड को कोड करता है, एयूजी मिथियोनिन को करता है, इतना ध्यान रख लिए, बहुत बढ़िया है। और टर्मिनल कोडोन कौन सा है? तीन है, यूएए, यूएजी, यूजीए। क्लियर? कैसे याद रखना है? उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपैटिक पोर्टल वीन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, कहता है कि हिपैटिक पोर्टल वीन जो है यकृत निवाहिका सिरा द्वारा जो यकृत में रुधिर कहाँ से आता है, तो हिपैटिक पोर्टल वीन के द्वारा जो लीवर में खूब ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? तो भैया जो हिपैटिक पोर्टल वीन के द्वारा जो लीवर में ब्लड आता है वो इंटेस्टाइन के द्वारा आता है, यानी आंत के द्वारा ही आता है। कैसे मतलब होता है ना कि अगर आपको डायग्राम्स वगैरह सही से समझ में आया होता, आप बेसिकली अगर पढ़ रखे हैं तो आपको ऐसे भी छाट सकते ऑप्शन कि हृदय से तो कभी आएगा ही नहीं, लीवर में ब्लड हृदय से हिपैटिक पोर्टल वीन के द्वारा आएगा ही नहीं, वो जब भी आएगा तो इंटेस्टाइन के द्वारा ही आएगा, इंटेस्टाइन से आएगा, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल वीन के द्वारा जो लीवर में ब्लड आता है वो कहां से आता है? आंत से आता है, आंत यानी क्या? इंटेस्टाइन से आता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, केमिकल डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कोल्ड, देखिए जो केमिकल डार्क रिएक्शन यानी रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? ब्लैकमैन रिएक्शन। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लैकमैन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, होलोब्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज इज फाउंड इन, देखिए ये होलोब्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज ना किसमें किसमें पाया जाता है? तो प्रोटोकोडेटा है ना वहाँ तक के मैक्सिमम में पाया जाता है क्या? होलोप्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज। ये सब क्वेश्चन इस प्रकार से कि ऑप्शन आपको छांटना पड़ेगा कि भैया यदि इकाइनोडर्मेटा दे दिया ऑप्शन में तो इकाइनोडर्मेटा तो है ही, फिर मोलस्का भी होता है, लेकिन सारे मोलस्का में नहीं होते हैं होलोप्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज, लेकिन प्रोटोकोडेटा में सारे में होते हैं। तो प्रोटोकोडेटा इकाइनोडर्मेटा हो गया, तो कुछ कुछ मोलस्का भी है, तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि होलोप्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज यानी पूर्ण भंजी जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो इकानोडर्मेटा में भी होगा, बहुत सारे मोलस्का में भी होगा और प्रोटोकोडेटा में भी होगा, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इन सभी में, ठीक है। तो होलोप्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज किस में पाया जाता है? इन सभी में, यानी इकानोडर्मेटा में भी, मोलस्का में भी, कुछ मैक्सिमम मोलस्का में भी और प्रोटोकोडेटा में भी, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, देखिए अगर नहीं पढ़ा है तो अगर अभी तक नहीं जानते तो अब भी याद कर लीजिए उसको, अब भी क्या कर लीजिए उसको याद कर लीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आंसर टिक करके आइएगा अभी, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा कि आप बहुत ज़्यादा पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को रट पाएं कि किसमें होलोब्लास्टिक होता है, किसमें कंप्लीट क्लीवेज, किसमें इनकम्प्लीट क्लीवेज, किसमें पार्शियल क्लीवेज, बहुत सारी चीज़ें। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाता तो हर एक पॉइंट्स को कवर करता, ठीक है, और मैंने तो डाइवर्सिटी को कवर भी नहीं कर पाया, एनिमल किंगडम वगैरह छूटा ही रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ है बेस्ट हुआ है, इसी में हम लोग अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। जितना पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं वहाँ से क्वेश्चन आया तो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ आर्तव रिसाव, जो किसकी कमी से कारण होता है? ये क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने एक दो बार करा रखा है। मेंस्ट्रुअल फ्लो, आवर्त प्रवाह किसके कारण? मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब क्या होता है? महिलाओं में जो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कहने का अर्थ हुआ क्या, उनमें ब्लीडिंग फेज होता है, मासिक चक्र में क्या होता है, शुरुआती के लास्ट के 3 से 5 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, तो उस ब्लीडिंग फेज में जो ब्लड आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्तव रिसाव या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो ये किसके कारण? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण। मैंने कारण भी बता रखा है, कारण भी बता के रखा है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हमारे एंडोमेट्रियम को, जैसे कि यूट्रस का इनर वाल को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। लेकिन वो जो लास्ट के 3 से 5 दिन है मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम में, वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम मैनेज नहीं रह पाता है, मेंटेन नहीं रह पाता है, वही टूट टूट के बाहर निकलता है, जिसके कारण से महिलाओं में ब्लीडिंग होता है, आर्तव रिसाव के, उसी को कहा जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, एक्सपेरिमेंट ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस वाज डन बाय, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि अनुकूलित प्रतिक्षेप के रूप में प्रयोग किया था पर प्रतिक्षेप के रूप मतलब पर प्रयोग किया था किसने किया था, तो लॉरेंज या लॉरेंज व टिम्बरजेन ने किया था, किसने दिया था, लॉरेंज व टिम्बरजेन ने दिया था एक्सपेरिमेंट ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेज। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th के लास्ट से एक चैप्टर पहले का क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सेस कौन मतलब क्या है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस पे जो एक्सपेरिमेंट करा था किसने किया था, लॉरेंज एंड टिम्बरजेन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, हमने कहा है ना एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कि साइंटिस्ट बेसिस पे होंगे और वो क्वेश्चन आपको हो सके नहीं आता हो, लेकिन टेंशन नहीं लेना, यदि आपको नहीं आता है तो बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो उसको फटाक देके छोड़िए, क्योंकि वो हार्ड पे अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, और डीमोटिवेट हो जाएंगे वहीं पे तो फिर जो क्वेश्चन आता भी होगा वो भी क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए वैसा नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन देखना है, जितना बने उतना बना के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हेन द फ्लोरल पार्ट्स आर डेवलप्ड बिलो द ओवरी देन ओवरी इज कॉल्ड। देखिए ओवरी के बिलो और ओवरी के बिलो, अगर ओवरी के बिलो के फ्लोरल पार्ट्स आएगा तो उसको हम लोग सुपीरियर कहेंगे, यही अगर ओवरी के अबव आएगा ऊपर आएगा तो उसको हम लोग इन्फीरियर कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फीरियर कहते हैं, उसी को हिंदी में कहेंगे, जब पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के नीचे क्या अंडाशय से नीचे निकलते हैं तो अंडाशय कहलाता है, तो वो कैसा अंडाशय कहलाता है, तो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहलाता है, और अगर ऊपर निकले जैसे कि कोई भी अंडाशय से नीचे निकल रहा है कोई भी फ्लोरल पार्ट्स तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं, लेकिन वही अंडाशय से ऊपर निकले उसके पत्ती वगैरह तो वो क्या कहलाएगा, अघोतवर्ती, क्या कहलाएगा, अघोवर्ती। ठीक है, तो आपको हिंदी में बोले तो अघोवर्ती और ऊर्ध्ववर्ती, इंग्लिश में बोले तो इन्फीरियर और सुपीरियर, यदि ओवरी क्या ओवरी के ऊपर निकले तो उसको इन्फीरियर कहेंगे, अगर नीचे निकले तो सुपीरियर कहेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। हमने ये भी क्वेश्चन करा के रखा है कि कौन सा कोशिकांग में से एक है जो कि एक परत वाली झिल्ली से घिरा होता है, तो एक परत वाली झिल्ली से, तो आप ऑप्शन छाटिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है कि यह क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों होता है, तो इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट, जी हाँ, इसमें भी इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। फिर न्यूक्लियस, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, तो बचा कौन सा, पर ऑक्सीजोम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पर ऑक्सीजोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, ये तीनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस टू स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड, ब्लीडिंग को स्टॉप, रक्त स्राव के रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते थे, हीमोस्टेसिस कहते, क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस, रक्त स्राव के रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, वोपिंग कफ, ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है कि कुकुर खांसी किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। जो भी बच्चे 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को एकदम अच्छे से रिवाइज करे होंगे तो उनको याद होगा कि बोर्डेटेला पर्टुसिस के बारे में मैंने पढ़ाया था जब, तो वहां पे हमने बताया था कि कुकुर खांसी किस जीवाणु के कारण होता है, तो बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो वोपिंग कफ, क्या, वोपिंग कफ इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया, बोर्डेटेला पर्टुसिस। ठीक है, चलिए वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, फ्लूइड मोजेइक मॉडल यानी तरल मोजेइक मॉडल किसने दिया था, तो ये भी क्वेश्चन करा पाया हुआ सिंगर एवं निकोलसन ने, किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने। ठीक है, देखिए कभी कताल ऐसा होता है ना, देखिए मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ ये मेनली इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जो सिंगर एवं निकोलसन ने क्या था, तरल मोजेइक मॉडल को दिया था। आगे में जब आपने क्वेश्चंस देखा तो आगे में आपको कुछ कुछ एनिमल किंगडम के क्वेश्चन दिखे हैं जो कि आप मेरे ख्याल से नहीं पढ़ रखे होंगे, जो कि आप डर गए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, और जानबूझ के एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न सेट करता है कि आगे में कुछ क्वेश्चन हार्ड दे देता है कभी कदार, तो आपको डरना नहीं है, आगे पढ़ते रहना है, हो सके लगातार आपसे लास्ट में क्वेश्चन कुछ बीच में क्वेश्चन हो जो कि आपसे बनने लायक हो, जैसे कि ये सब क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या हुआ, सभी क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं इस स्लाइड में, ये सभी क्वेश्चन क्या करवाए हुए हैं 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में या तो कॉन्सेप्ट के रूप में, जो भी बच्चे रेगुलर पढ़े होंगे उनको पता चल रहा होगा। ठीक है,
इसी तरीके से मैं वहाँ पे भी बोलता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 100% प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए से मिल जाएगा, लेकिन हाँ 50 के कहते कम से कम 50 में 40 क्वेश्चन कम से कम 35-40 क्वेश्चन जरूर मेरे पढ़ाए हुए से मिलेगा। ठीक है, इतना तो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एनिमल किंगडम और अच्छे से पढ़ा देता तो 2-3 क्वेश्चन और बढ़ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, जितना पढ़ें अभी। अब एनिमल किंगडम अगर मैं पढ़ाऊँ भी तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स रटने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल रटने हैं तो अभी तो उतना समय भी नहीं बचा है आपको, जो भी है बस इसी में आप प्रैक्टिस कीजिए और इसी को बार बार पढ़िए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। मतलब है कि फीमेल में, किसमें, फीमेल में सहायक जननांग कौन सा है, जोड़ीदार, मतलब जोड़ा में हो। तो भैया क्या हमने बताया है कि फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जिसको कि हम लोग इंग्लिश में और एक नाम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं और हिंदी में अंडवाहिनी कहेंगे, वो क्या है, दो को होता है ना, एक लेफ्ट साइड भी होता है राइट साइड भी होता है। तो आंसर तो हो गया यहीं पे ना कि ओविडक्ट क्या है, एक पेयर्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है, पेयर्ड यानी जोड़ी में पाया जाता है। अब आप बात करें यूट्रस, क्या यूट्रस जोड़ी में पाया जाता है, नहीं ना, भग यानी वल्वा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, क्या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल में, वो क्या डबल है, नहीं ना, फिर योनि भी डबल नहीं है, सिंगल सिंगल है। लेकिन अंडवाहिनियाँ, या फिर अगर ऑप्शन में दे देता अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, तो वो भी आंसर हो जाता। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी हैं स्त्रियों का जो कि जोड़ीदार सहायक जननांग है, तो वो है क्या, अंडवाहिनियाँ। ठीक है, ओविडक्ट्स जिसको हम लोग और एक नाम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। साइकस स्पाइनस जिंगो टेक्सस, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ दिया हमने, कि साइकस स्पाइनस जिंगो टेक्सस ये किसका एग्जाम्पल है बताइए। तो अगर आप मेरे रियल स्टूडेंट्स होंगे तो जरूर बताएंगे कि सारे किसके एग्जाम्पल हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के, किसके, जिम्नोस्पर्म के। और हमने जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स के बारे में बता रखा है कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो किसके रूप में, किसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट यानी सजावट के रूप में लाया जाता है। किसके रूप में, सजावट के रूप में। तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, साइकस स्पाइनस या फिर जिंगो टेक्सस जो भी है वो सजावट के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, साइकस स्पाइनस जिंगो टेक्सस ये चारों एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म प्लांट के, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो कि सजावट के रूप में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। अब हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी या तो रात वाले क्लास में आ जाएगा या तो कल तक में हमारा वो वीडियो भी आ जाएगा फिर। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और नेक्स्ट पार्ट भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अभी भी पॉजिटिव वाइब आ रहा है, पॉजिटिव वाइब मतलब क्या होता है कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस सर मैं एग्जाम क्रैक करूंगा और मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिलेगा। ठीक है, मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिलेगा। तो इसलिए आपको अभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है, हाई रखना है, जरूर से जरूर मिलेगा आपको कॉलेज। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को, मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको, मेरे से पढ़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम हेल्प्स मिलेगा। बस आप फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ रखे हैं, 10-10, 12-12 क्वेश्चन भी, अगर 15 क्वेश्चन भी सही हो जाता है फिजिक्स में, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, तो इधर आपका मैनेज हो जाएगा। कितना क्वेश्चन से, 35-40 क्वेश्चन इधर भी आप सही करते हैं तो हो जाएगा मैनेज, उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर गवर्नमेंट नहीं तो कम से कम एडेड कॉलेज तो जरूर मिलेगा, क्योंकि एडेड कॉलेज भी, अगर आपके कॉलेज एडेड हैं ठीक है, तो उसका भी फीस ज़्यादा नहीं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट है फीस तो उसका 12 से 13 हज़ार के लमसम एवरेज, ऑन एन एवरेज 10 से 12 हज़ार एनुअल फी होता है, तो उसका 20 से 25 हज़ार होगा, थोड़ा दुगना होता है। तो एडेड कॉलेज का भी फी थोड़ा कम ही होता है, लेकिन अगर जो प्योरली आप प्राइवेट में करवाएंगे तो भाई उसका फ़ी तो कहा ही नहीं जा सकता है, 1 लाख प्लस भी होता है, कई लोग 1.5 लाख प्लस भी देते हैं, जैसा यूनिवर्सिटी वैसे फीस लगते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मोरल डाउन नहीं करना है, फुल मोटिवेटेड रहिए और देखते रहिए क्वेश्चन सीरीज को, एग्जाम रिवाइज करते रहिए और सभी क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा और आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा, मेरा ये आशा है और होप भी है, और मतलब सब चीज़ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 2 में। ओके, बाय बाय।